आप सबका स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 11 CBSE मैथ का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने सेट के बारे में जाना था। सेट होता क्या है, सेट में एक डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि एक जनरल टर्म होता था जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते थे, वो जाना, रजिस्टर फॉर्म, सेट के अंदर पाए जाने चीज़ें थे उनको एलिमेंट या मेंबर बोलते थे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 हो गया था जिसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया था, बाकी सब आप अपने टाइप कीजिए घर पर। चलिए आज हम चालू करते हैं इम्पटी सेट। देखो इम्पटी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके हेल्प से आप ये बताओगे कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो एलिमेंट खाली है। जैसे मैं बोल दूँ कि एक क्लास है जिसमें कि क्लास 10th है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो 8th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्लास 10 है तो भाई 10 के ही बच्चे ना पढ़ेंगे, 8 के कहाँ से पढ़ेंगे, 12 के कहाँ से उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम्पटी सेट है, एम्पटी मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, हमने बेकार बात कर दी। अगर मैं बोल दूँ एक्स की वैल्यू लेस देन 4, 4 से नीचे क्या कोई दो प्राइम नंबर है, पॉजिटिव प्राइम नंबर, तीन पॉजिटिव प्राइम नंबर मिलेगा आपको 4 के नीचे, सोचिए तीन पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो भाई एक तो दो होगा, एक तीन होगा, तो दो ही ना मिल रहा है, हमें तीन चाहिए था, पांच नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए भी इम्पटी सेट्स है। इम्पटी सेट मतलब जो हमारे गिवन कंडीशन को फॉलो ना करे, वो यह ना बता पाए कि एक्यूरेट है कि नहीं, यानी जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग फेल हो जाए, तो वो इम्पटी सेट यानी खाली कुछ नहीं। इसका सिंबल क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो इम्पटी सेट्स, या ऐसे लिखते हो, ठीक है, इम्पटी सेट। तो दो सिंबल हैं, इसको याद रखिएगा, इम्पटी सेट ये हो गया। आप खुद सोचो ना इम्पटी सेट्स मतलब क्या है, खाली, इम्पटी का मतलब खाली, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आप और भी एग्जांपल से समझ सकते हो, देखो अगर मान लो बोल दिया एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 2, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, इज प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर, क्या ये पॉसिबल है? सोच, एक्स इज लेस देन 2 इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो भाई 2 से नीचे तो कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इम्पटी सेट। मैंने बोला ना कि आप गिवन कंडीशन को फॉलो ना करें, वही क्या कहलाता है, इम्पटी सेट्स। यानी आपने बोल दिया कि एक बस है जिसमें सिर्फ फीमेल महिलाओं को ही अलाउ किया गया चढ़ने के लिए, जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो क्या उसमें 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है? नहीं, तो इम्पटी सेट है। आप बहुत तरीके से सोच सकते हो इम्पटी मतलब खाली से, यहाँ पे एक मार्केट है, उस मार्केट में सिर्फ चीनी मिलता है, तो क्या एक बंदा बोल रहा है कि उस मार्केट में मैं गया तेल मिल गया, तो क्या पॉसिबल है? इम्पटी सेट है, सिर्फ चीनी मिल रहा है, पहले से ही प्रिपेयर्ड कंडीशन है कि सिर्फ शुगर मिल रहा है तो शुगर, ठीक है। तो इम्पटी सेट मतलब जो आपके गिवन कंडीशन को फॉलो ना करे और वहाँ पर कुछ ना मिले, खाली, वही इम्पटी सेट है, ठीक है। एक सेट, तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें कुछ नंबर हो भाई, कुछ वैल्यू दिया हो, वैल्यू मतलब कुछ चीज़ें हो, जैसे 1, 2, 3, तो भाई फाइनाइट है कि नहीं। अभी मैं बोल दूँ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, क्या लग रहा है आपको, दो नंबर के बीच में रियल नंबर कितने होंगे? बहुत से रियल नंबर होंगे भाई। रियल नंबर क्या था, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब रियल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में इतने रियल नंबर होंगे कि आप इसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, कोई प्रिफाइड कंडीशन ही नहीं लगा पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है, बोल नहीं पाओगे। ऐसे मैं बोल दूँ 2 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर है, तब बता दोगे 2 से लेकर, यानी 2 को भी लेना है, 4, 6, 10 तक, 10 को भी लेना है, तो ये हो गया भाई, ये तो है ना, ये फाइनाइट सेट है, इसमें जानकारी है। लेकिन इसमें क्या, 1 से 2 में कोई लिख कर दिखा देगा, बहुत से वैल्यू हो जाएंगे, 1.1 कोई लिखेगा, 1.2 लिखेगा, कोई 1.02 लिखेगा, कोई यहीं पर आके 1.02 का रूट लगा देगा, तो बहुत से वैल्यू मिलेंगे जिसको आप किसी जनरल टर्म से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इवन नंबर बोल दिया तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक्स, इसको क्या बोलेंगे, जनरल टर्म एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर एंड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर
10 के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पर 2 लिख देना, सबसे बढ़िया, बहुत तरीके हैं। 2 के बराबर भी होगा, 2 से बड़ा होगा, 10 के बराबर होगा, 10 से छोटा होगा। तो आप जहाँ पे, तो ये फाइनाइट सेट है, लेकिन रियल नंबर वाला इनफाइनाइट सेट, आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में बोलेगा रियल नंबर कि आप दो नंबर के बीच में जितने रियल नंबर है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तभी याद रखिएगा। तो हमने इम्पटी सेट समझा, जिसमें कुछ ना हो, जैसे कोई कंडीशन लगा दिया, कुछ मिला ही नहीं कंडीशन के अकॉर्डिंग, इम्पटी सेट्स। फाइनाइट सेट्स जिसमें कुछ सर्टेन वैल्यू हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, कम बरसम हो, ना बताना बता पाना इजली ना हो। अब एक चीज़ सोचो कि जो साल होता है ईयर, उस ईयर में कितने मंथ है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है, बता सकते हो ना भाई, ये दो ना, जिसे मैं इससे बोलूँ 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है, तो मैं बता दूंगा, तो भाई बता दोगे तो उसमें फिक्स वैल्यू होंगे, वो फाइनाइट है, और जिसमें तुम टेली नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। बोल दिया कि जितने रेशनल नंबर है लिख डालो, तो इनफाइनाइट सेट है, बहुत से आंसर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब थोड़ा एक एग्जांपल के तरह से समझते हैं, जैसे मान लो लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और आगे बोला है एंड एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे दिया। अब इसको भाई ऐसे भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिख सकता था कि नहीं, सोचिए, लिख सकता था, लिख सकता था ना, हाँ ठीक है, ऐसे भी बोल सकता था। तो भाई एक्स क्या है, देखो एक्स एलिमेंट है, सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वेरिएबल है, सच दैट ऐसा कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो भाई यहाँ से सॉल्व करो ना, एक्स माइनस वन इज्क्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन, एक्स माइनस टू इज्क्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू टू, एक इक्वेशन है। तो भाई ये तो नेचुरल नंबर है, तो कैसा सेट बनेगा प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट बन गया कि नहीं, तो आपने समझा फाइनाइट सेट। अब इसी को ऐसे बोल सकता है, x such that x belongs real number, ठीक है, and x greater than minus वन less than जीरो, बस ये दे दिया। तो क्या पॉसिबल है दो नंबर के बीच में आप रियल नंबर बता दो, ना इनफाइनाइट सेट आप लिख नहीं सकते हो, ट्राई करते रहना, क्योंकि दो नंबर के बीच में बहुत से नंबर होंगे, अगर वो रियल नंबर की बात करें तो, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, कितना लिखोगे, लिखते जाओगे एंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है, एक्स इज ए होल नंबर, एक्स इज ए होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन, तब बताओ होल नंबर है, वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा बहुत ना होगा भाई, 2, 3, 4 लाख 10 लाख, अरब, आप लिखते जाओ, इनफाइनाइट सेट ये भी, एक्स इज ए होल नंबर बट एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो ये भी तो है भैया, बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब बताया इक्वल सेट्स, इक्वल का मतलब होता है कि एग्जैक्ट बराबर, जैसे जो यहाँ पे, जैसे दो सेट, सेट का मतलब तो समझते हो ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का दो सेट दे दिया है, ऐसे लिखा है 1, 2, 3, ऐसे लिख दिया 3, 2, 1, क्या ये दोनों सेट बराबर नहीं है। देखो सेट में आप कैसे भी लिखो, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, 1, 2, 3 या 3, 2, 1 लिखो, कोई मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो, ये 1, 1 इससे मिल गया कॉपी, 2, 2 से मिल गया कॉपी, 3, 3 से मिल गया, भाई इक्वल सेट्स है, क्योंकि सब लोग तो मिल गए कॉपी एग्जैक्ट, तो इट इज़ अ इक्वल सेट, क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट हो गया, ठीक है, इक्वल सेट है, अब थोड़ा इसको बताओ, यहाँ पे दे दिया है, मैंने इक्वल ही बना दिया था, वहाँ कोई बात नहीं, क्या ये दोनों इक्वल सेट है, सोचो, नहीं है भाई, सिर्फ 1 मिल रहा है, पूरा मिलना चाहिए ना, तब ना इक्वल सेट बोलेंगे, 9 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो नॉट इक्वल सेट, क्या बोलोगे, नॉट इक्वल सेट। तो इक्वल सेट समझ गए, एलिमेंट एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो, क्या ये दोनों इक्वल सेट है, है भाई, 3 मिल गया, 2 मिल गया, भले ही नंबर, तो 2 को कॉपी करके दो बार लिख दिया, कोई मतलब नहीं, सेट पे दोबारा लिखने कोई मतलब ही नहीं है, कोई दो बार लिख दिया तुम एक ही बार मानो ना, क्योंकि वही तो मेंबर है, दोनों सेम है तो इक्वल है, तो ये कोई मैटर नहीं करता, एक ही बार लिखो आप,
वो इरिलेवेंट है चीज़ें हैं, जैसे आप दो बार लिख दिए तो कोई मैटर नहीं करता, इक्वल सेट होंगे दोनों। ठीक है इक्वल सेट हो गया। अब देखो बहुत से इसमें एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, थोड़ा देखिए बुकी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, कौन से स्क्रीन पर होगा एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला है देखो क्या लिखा है, एक सेट है जिसमें एलॉय लिखा है और दूसरा सेट है लॉयल, तो ए में लिख देना एलॉय, एलॉय करके कुछ लिखा है। बी में क्या लिखा है, बी में आपका लिखा है दूसरा सेट है बी लॉयल लिखा है, लॉयल लॉयल। तो भाई जब सेट ए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए एल ओ वाई हो गया। बी सेट कैसे लिखोगे बाबू प्यारे बच्चों, एल ओ ए वाई, आर्डर नहीं मैटर करता, आप कैसे भी लिखो ना दोनों तो इक्वलेंट हो गया भाई, ए एल एल ओ इक्वलेंट, आर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिखो आगे पीछे करके लिख सकते हो। ठीक है तो दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का, इसमें ये बोला है कि स्क्रीन पे देखिएगा, ये बोला है कि n such that n belongs z, n z यानी z का सिंबल इंटीजर होता था और n square is less than or equal to 4, और दूसरा सेट है तो पहला सेट लिख लो n such that n belong z, n की वैल्यू z से बिलोंग कर रही है एंड n square equal to or less than 4, ये पहला सेट है। ठीक है समझ गए। अब दूसरा सेट क्या दिया है, ये ए बोलते थे इसको, ठीक है दूसरा सेट बी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है भाई और एन स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेचे है। ठीक है देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वाला एन स्क्वायर इज लेस देन 4, तो भाई एन की वैल्यू 4 हो तो अगर मान लो n की वैल्यू में माइनस 2 रखूँगा और 2 रखूँगा तो 4 मिलेगा कि नहीं, 2 × 4 मिलेगा, उसके बराबर भी दिखाना था। अब इससे नीचे भी ले सकते हो माइनस 1 1 हो सकता है कि नहीं भाई, 4 से ही तो बस छोटा है, n स्क्वायर 4 के बराबर हो, देखो इक्वल का मतलब बराबर भी हो, तो 2 का स्क्वायर 4, अब उससे छोटा भी है तो 1 का स्क्वायर करो 4 से छोटा होगा, तो इसका कहने का मतलब क्या, नीचे वाली सब वैल्यू हो जाएगी तो आल क्या 4 या 16, 4 से 4 तो यहाँ बोला है ना 4 बड़ा होना चाहिए, इधर वाला वैल्यू बड़ा ना हो तो बस आपका आंसर क्या हो रहेगा इसके लिए, तो बस आपका आंसर हो जाएगा 1 0 1, तो ये सेट में आंसर हो गया। और दूसरे का देखो रियल नंबर, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, एक्स माइनस 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 और दूसरी वैल्यू 2, तो इस सेट का सॉल्यूशन क्या होगा 1 और 2। क्या ये दोनों इक्वलेंट इक्वल सेट है, देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, क्या इक्वल सेट है, लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही लोग मिला है ना, तो नॉट इक्वल सेट, बस हो गया। यही था क्वेश्चन कि इक्वल सेट होता है कि नहीं होता है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द सेट, इनमें से कौन एग्जांपल है सेट का। ठीक है सेट का एग्जाम्पल करें, पहला क्वेश्चन पढ़िए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाई 2, जो ऑड नेचुरल नंबर है वो डिविजल बाई है 2 से, तो क्या लग रहा है सोचिए, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 यही ना बोलेंगे, डिविजिबल बाय 2, क्या 2 से कट जाएगा, नहीं, तो ये कैसा सेट होगा बाबू, नल सेट, नल सेट मतलब भी इम्पटी सेट, कुछ नहीं है खाली है, नल वाइड, वाइड भी बोलते हैं, वाइड वाइड सेट है खाली है। लिखा होगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कितने हैं भाई सोचो, इवन प्राइम नंबर तो एक ही था ना, बस 2 था, हाँ यही है, तो भाई है ये वाइड सेट नहीं है, इसमें है फाइनाइट सेट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट है।
इसी का एक थॉट देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन फाइव, क्या बोला है, लेस देन फाइव, और एक्स एक्स लेस देन फाइव और एक्स ग्रेटर देन सेवन, पांच से छोटा, पांच से छोटा, पांच से छोटा का मतलब क्या होगा बाबू, चार तीन एक, बहुत से नंबर होंगे ऐसे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन सेवन, सेवन का मतलब क्या हो गया भाई, आठ नौ, क्या तुम्हें लग रहा है ये कैसा होगा, सोचो क्या लग रहा है, बोला है कि एक्स एक्स सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो फाइव से छोटा हो और सात से बड़ा हो, तो क्या तुम्हें कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है भाई, वो बोल रहा है सात से बड़ा हो इधर फाइव से छोटा हो, सोचो क्या कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, कंडीशन ही फेल हो जा रहा है, बोला है ना तो फाइव से छोटा तो इधर आता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा बहुत से, लेकिन ये बोल दिया कि सात से बड़ा तो आठ नौ, तो कोई कॉम्बिनेशन है इसमें से, कोई नहीं, इम्पटी सेट है, रूल के खिलाफ है। अब दो कंडीशन लगा दिए ना, फाइव से बोल दिए छोटा है, उधर बोल दे रहे हो सात से बड़ा है, तो क्या मैं सोचूं भाई, कुछ तो मिलेगा ही नहीं मुझे। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, तो फाइनाइट मतलब कितने लोगों बता सकते हो, तो मैं एक बता दे रहा हूँ, इसका फोर वाला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर ग्रेटर देन 100, जितने पॉजिटिव इंटीगर हैं जो 100 से बड़े हैं, भाई पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो भाई 100 से बड़ा ना बोला है, 101 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा भाई, इंडे नहीं है, इंड है नहीं इंड है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर फोर मैंने किया था, आप सब कॉन्सेप्ट जाने को, तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर देखिए, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट आर इनफाइनाइट, बताइए कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। पहला देख लीजिए, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो तुम्हें क्या लग रहा है सोचो भाई, तुम एक्स एक्सिस का सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हो पैरेलल, एक ही लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते, बहुत से लाइन ड्रा कर सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो बहुत से लाइन क्या है भाई, जैसे मान लो आपने एक्स एक्सिस लिया, एक लाइन ये रामाया ये, बहुत लाइन, बहुत लाइन, इनफाइनाइट एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसी का सेकेंड वाला, थर्ड वाला देख लो, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव, यानी फाइव के मल्टीपल के नंबर बताइए वो सेट, तो भाई मैंने लिखा फाइव टेन, इंडे नहीं है भाई, बढ़ता रहेगा गाड़ी, बढ़ता रहेगा, तो क्या है बाबू। इन फिफ्थ वाला देख लो, द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी भाई सर्कल है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है सोचो। मान लो ये सर्कल है, ये ओरिजिन होगी, ओरिजिन मतलब जहाँ पर एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, यानी ये चालू वाला पॉइंट है, इधर जाओगे तभी ना बढ़ेगा, इधर जाओगे तभी ना वाई बढ़ेगा, तो भाई ये ओरिजिन है, तो एक सर्कल तो ऐसे भी कोई खींच सकता है, अगर कोई गुस्सा भरा तो ऐसे खींच देगा, किसी को गुस्सा भरा तो ऐसे खींच देगा, तो बहुत से सर्कल पॉसिबल हैं, इट्स मीन्स इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर आपके स्क्रीन पर होगा, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए बराबर है बी के या नहीं, तो पहला ही करिए आप लोग, तो देखोगे कि ये मिल जा रहा है, आर इक्वल, मैंने ये बताया कि अगर आप मान लो कोई सेट ए लिख दिए, उसमें तुमने ए बी सी डी पहले लिखा था, बाद में डी सी ए बी लिख दिया, तो कोई मतलब नहीं है भाई, वो सेट वही है, सेम सेट है, इक्वल सेट है, भले ही आपने आर्डर चेंज कर दिया, आर्डर डज नॉट मैटर, उससे सेट की कहानी समाप्त नहीं होगी, सेट अपने आप को मेंटेन रखेगा, ए बी सी डी, अब बी आपने ऐसे बना दिया, डी सी बी ए, तो भाई बात तो सही है, बस आगे पीछे हो गया, इक्वल सेट्स, समझ गए, ये इक्वल सेट हो गया।
अब चलते हैं आगे। इक्वल टू 2, 4, 6, 10 तक। बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए। देखो तो इवन इंटीजर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 भाई यही तो होगा। बोला क्या है एक्स लेस देन 10, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन, यही ना पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव में तो यही है भाई, तो ये सेट भी हो गया। और ए में भी यही सब दिया है ना, देख लो 2, 4, 6, 8, 10 तो ये कैसा होगा इक्वल सेट, कैसा होगा इक्वल सेट। तो बोथ आर इक्वल सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। तो पहला है ए इक्वल टू 2, 3, दूसरा है बी इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इतना। अब यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हो तो ये तो जाना जरूरी है भाई। 5 को ब्रेक करते हैं 3x और 2x में, देखो 3, 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो एक वैल्यू होगी x प्लस 2, x प्लस 3, तो एक हो गया x इक्वल टू -2, एक हो गया x इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पर भाई 2 और 3 है और यहाँ पर -2 और 3 हो गया। क्या ये सेट बनाएंगे, सोचिए। नॉट भाई, बी वाला तो ये हो गया ना, ये हो गया, ये नॉट सेट, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, तब कर लोगे भाई, अब तो समझ गए ना इक्वल सेट किसको सिलेक्ट करना है, तो आप कर लोगे। देख लेना जिसमें सेम टाइप के लोग होंगे वो दोनों सेट इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, जो भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।